मॉर्निंग एट्थ क्लास। एट्थ क्लास हमने कल चैप्टर कर रहा था स्टार्ट अपना रीचिंग द एज ऑफ अडोलरेंस, चैप्टर नंबर 10th रीचिंग द एज ऑफ अडोलरेंस। ओके बेटा, तो कुछ डेफिनेशंस भी मैंने आपको लिखवाई थी, इसमें आपने करी कि नहीं रीचिंग द एज ऑफ अडोलरेंस। ओके, आज हम चैप्टर को रीड अप करेंगे, आप भी घर पे इसको अच्छे से रीड अप करना। और बेटा आप में से पूछ सकते हैं, अगर आपको जहाँ पर भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है कुछ भी, तो आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, रीचिंग द एज ऑफ अडोलरेंस। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस, इट इज़ द ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बॉडीज एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली After a certain age? Can this chapter will learn about changes that take place in the human body after which a person became capable of reproduction? आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इससे पहले पढ़ा हुआ था, तो रिप्रोडक्शन एक एज होने के बाद ही, मैंने कल आपको बताया था, आने होने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकता है कोई, ठीक है। इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट चेंजेस, जो चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, वो आप इस चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नाइन यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑर्गन। हेयर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ हारमोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग एंड चेंजेस दैट मेक्स चाइल्ड ग्रो इन अडल्ट। आज हम इसमें अडल्ट में और बेटा जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, अडोलरेंस एंड पुबर्टी जो है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, और जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर एक एज आने के बाद, एक अडोलरेंस एज आने के बाद, पुबर्टी की एज आने के बाद जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को पढ़ेंगे। और वो चेंजेस कैसे आते हैं बेटा, वो हारमोन्स की वजह से आपके अंदर चेंजेस आते हैं। ओके बेटा, अडोलरेंस और पुबर्टी के बारे में भी मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन आज हम बुक में फिर से इसको देखते हैं। बुजू वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बुजू एंड पहली बीइंग चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। पहली स्टडीड इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। शी स्टार्टेड लाफिंग। शी remarked that many of Buju's school friends whom she meet after a year, she suddenly shout up in a height। आप देखिए, बुजू और पहली स्कूल में पढ़ते हैं, 12th बर्थडे उन्होंने अपना मनाया था, और ये देखा गया कि उसकी हाइट में सडनली चेंज होना शुरू हुआ, वो हाइट बढ़ गई। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन्स अबाउट देयर लिप्स। और कुछ लड़कों के हेयरी लाइन्स आने लगे लिप्स के ऊपर, ठीक है। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। और उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि अब वो लड़के कैसे होने लगे, बड़े होने लगे। ग्रोथ बिकम फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10th और 11th देयर इज अ सडन सपोर्ट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिफिकेबली। द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। बॉडी में कुछ पार्ट्स चेंजेस होने लगते हैं, कुछ चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है, वो एज के अकॉर्डिंग चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन अडल्ट। ये उससे ये पता चलता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, आप बड़े होने शुरू हो गए हैं, अडल्ट होने शुरू हो गए हैं, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज ऑफ लाइफ। व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्शन मेच्योरिटी इज कॉल्ड अडोलरेंस। जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस उस एक बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा, और अधिक चेंजेस कुछ आने शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अडोलरेंस एज। अडोलरेंस बीइंग अराउंड द एज ऑफ 11th एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर। 11 साल से शुरू होकर ये अडोलरेंस की एज कब तक रहती है, 18 से 19 साल तक की एज रहती है। सिंस दे सपोर्ट कन्वर्ट टू टीन्स,
इस एज को टीन्स भी बोला जाता है, 13 to 18 or 19 ईयर्स ऑफ एज, 13 से 18 19 साल तक की एज को टीनेजर भी बोला जाता है। ओके, अडल्टरन्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, अडल्टरन्स को टीनेजर भी कहते हैं। इन गर्ल्स अडल्टरन्स में बीइंग अ ईयर और टू अर्लियर देन अ बॉय, अडल्टरन्स जो गर्ल्स में है 2 साल पहले ही आ जाती है गर्ल्स के अंदर बॉयज से, ठीक है। एज द पीरियड ऑफ द अडल्टरन्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन अडल्टरन्स की एज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ह्यूमन बॉडी अंडरगोस सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग अडल्टरन्स, देयर चेंजेस मेक्स द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, और जो चेंजेस होते हैं उसको हम पबर्टी भी बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मे मार्क पबर्टी इज दैट ऑफ बॉय एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो सबसे बड़ा चेंजेस देखा जाता है गर्ल्स और बॉयज़ में प्रॉपर्टी का, वो ये कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस उनमें कैपेबल हो जाती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी। एंड व्हेन एन अडल्टरन्स रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी प्रोसेस हो जाती है तो वो प्रोसेस आपकी जब ये मैच्योरिटी भी आ जाती है तो प्रॉपर्टी की एज ख़त्म हो जाती है। ओके, 10.2 चेंजेस एट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आता है कौन सा पहला चेंज बताया गया है, इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहला चेंज जो प्रॉपर्टी के टाइम में देखा जाता है इंक्रीज इन हाइट का देखा जाता है। द मोस्ट कॉन्सेप्शन चेंजेस ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट, हाइट में सडन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है प्रॉपर्टी के टाइम पे। एट दिस मीन्स द लॉन्ग बोन्स, that is the bones of the arms and the legs elongated and makes a person tall, bones वगैरह बढ़नी शुरू हो जाती है बॉडी में तो हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, पर्सन कैसा दिखने लगता है, लंबा दिखाई देने लगता है। ओके बेटा, ओके, अब है कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं यहाँ पे, अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट बताई गई है, एक एज के साथ की बॉयज़ की इतनी है इतनी है, फिर हाइट को फुल कैलकुलेट करा गया है, पर्सन हाइट अपन में फुल हाइट ऑफ द एज इनटू में 100, इससे आप परसेंटेज निकालते हैं, फुल हाइट निकाला गया है कि नॉर्मली फुल हाइट कितनी है। ओके, अब आता है 10.2, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, देखा गया है कि गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं, बट दे अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन वो सिर्फ 18 साल तक ही ये चेंजेस जल्दी देखे जाते हैं। बोथ रीचेस देयर मैक्सिमम हाइट, दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट पर इस एज में पहुँचते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इज हाइट, सबसे पहला ग्रोथ रेट हाइट होता है, ठीक है, हाइट सबसे जल्दी बढ़ती है इस एज में। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, लेकिन ये अलग अलग में अलग अलग देखने को मिलती है, सबकी एक साथ नहीं चेंजेस आती कि सभी लंबे नहीं होते या सभी छोटे नहीं रहते, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई बड़ा हो जाता है बहुत जल्दी ही, कोई जल्दी बड़ा नहीं हो पाता। सम मे ग्रो सडनली एट द प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, कुछ एकदम से जल्दी जल्दी बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं फिर बढ़ते हैं, ऐसे ही देखा जाता है। वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली, लेकिन कुछ नॉर्मली धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, देयर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी, पहली के लिए वरी वाली बात नहीं थी, चिंता वाली बात नहीं थी। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम टाइम, उसके सारे पार्ट्स एक साथ नहीं बढ़ रहे थे। सम टाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड एंड फीट ऑफ अडल्टरन्स, कई बार हाथ जल्दी बढ़ते हैं पैर बढ़ते हैं, कई बार हाइट बढ़ती है, ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है। सम द आर्म्स एंड द लेग्स और द हैंड एंड फीट ऑफ अडल्टरन्स लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शंस विद द बॉडी, बट सून द अदर पार्ट्स कैचेस अप एंड रिजल्ट इन द पोजिशन proportionality body. Okay, you must have noticed the height of an individual is more or less similar that the sum finally family member. का देखा गया है family members की, सभी family members की height अलग अलग होती है। This is because height depends on the
जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो हमारी बॉडी में हमारे अंदर जीन्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारी बॉडी में होते हैं, सेम होते हैं, पेरेंट्स वाले जीन्स ही हमारे अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हम दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स। तो हमारी हाइट हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है कितनी होगी, ठीक है। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट थिंग ऑफ फूड ड्यूरिंग द इज ग्रोइंग ईयर, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जीन्स तो है ही हाइट के ऊपर, लेकिन ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से खाना खाएंगे तो आपकी हाइट वगैरह अच्छे से ही बढ़ेगी, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स, दिस हेल्प द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट न्यूरिशमेंट फॉर ग्रोथ, एक ग्रोथ के लिए अच्छी न्यूरिशमेंट यहाँ से ही चाहिए होती हैं। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल मीट टू टॉलरेंस डिस्कशन लेटर द लेसन। अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी का हाइट इंक्रीज का, दूसरा है बॉडी शेप का, चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में भी दूसरा पॉइंट है चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। शोल्डर्स ब्रॉडर, किसी बच्चों के शोल्डर्स होते हैं ब्रॉड हो जाते हैं, बहुत चौड़े हो जाते हैं, किसी के नहीं हो पाते, ठीक है। इन गर्ल्स रीजन बिलो द ब्रेस्ट बिकम वाइडर, और गर्ल्स में अलग से कुछ चेंजेस देखने के मिलते हैं, जो बॉयज़ में और गर्ल्स में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, बॉडी शेप में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इन बॉयज़ मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन द गर्ल्स, बॉयज़ के मसल्स ज़्यादा प्रोमिनेंटली ब्रॉड होते हैं किससे, गर्ल्स से, गर्ल्स से ज़्यादा उनके मजबूत और जल्दी ग्रो कर जाती है। सो द चेंजेस ड्यूरिंग द टॉलरेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंजेस हैं अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था हाइट इंक्रीज, दूसरा बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तीसरा पॉइंट है वॉइस चेंज। अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो साथ साथ ये चेंजेस के साथ साथ एक और चेंज देखने को मिलता है, वो है वॉइस चेंज का। जब लड़के बड़े होते हैं तो उनकी वॉइस बदल जाती है, अलग सी भारी आवाज़ आ जाती है, वॉइस चेंज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स में चेंज आना शुरू हो जाता है उनके। हैव यू नोटिस दैट द बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइड चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस, दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी, बॉय इनके शोल्डर्स वाइड होने लगते हैं और वॉइस में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। अब आता है वॉइस चेंज की बात हो रही है, डिड यू नोटिस द सम ऑफ द वॉइस ऑफ द बॉयज इन योर क्लासरूम क्रैक्स, कुछ आपने नोटिस करा होगा जो ये बड़े बड़े बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, इनकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा भारीपन आ जाता है। एट द प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लेयरिंग्स बिगिन टू ग्रो, इस वक्त उनका वॉइस बॉक्स और लेयरिंग्स बढ़ने लग जाती हैं, लेयरिंग्स वॉइस बॉक्स एडम्स एप्पल यहाँ पे होता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है बॉयज़ का। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट, थ्रॉट में एक पार्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये देखिए बेटा, आपके बुक में भी दिखाया हुआ है ये, इसको एडम्स एप्पल बोला जाता है, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया है एडम्स एप्पल, ये बढ़ना शुरू हो जाता है बॉयज़ में एडम्स एप्पल, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना, ये एडम्स एप्पल बॉयज़ के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है जो आवाज़ चेंज कर देता है। इन गर्ल्स द लेयरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल, और गर्ल्स में ये जो है एडम्स एप्पल वाली, ये बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन बॉयज़ में ये दिखाई देती है क्लियरली, हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउट साइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने की वजह से ये दिखाई नहीं देता, लेकिन वॉइस का ये दिखाई देता है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस होने से इनकी आवाज़ भी भारी दिखाई नहीं देती, जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस।
इन अडोल्ट्रेंस बॉयज समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गोन आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम हॉरर, बहुत ही हॉरर आवाज हो जाती है वॉइस की. दिस स्टेट में रिमेन्स फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल, कुछ टाइम के बाद फिर वॉइस अपने आप ही कैसी होने लग जाती है, नॉर्मल लगती है. ठीक है, ये थी थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट आई आपके बॉडी चेंजेस में पॉबर्टी में क्या दिखाई देता है, हाई डिक्रीज का. दूसरा बॉडी चेंजेस का. तीसरा मैंने बोला था वॉइस चेंजेस का. अब चौथा है एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीविक्स ग्लैंड. जो चेंजेस देखा गया है दूसरा है कि ड्यूरिंग द पॉबर्टी द सेक्रेशन स्वीट ग्लैंड एंड सीवर्स ऑयल ग्लैंड इंक्रीज. पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं मुंह पे या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है. चौथा पॉइंट आपका ये होता है. ठीक है, सिया बीन्स ग्लैंड से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है. ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. मैनी ऑफ यंग पीपल गेट एक्नीज एंड पिम्पल्स ऑन देयर फेस एट दिस टाइम बिकॉज टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन दिस स्किन. स्किन में ये ग्लैंड्स इंक्रीज करने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद. ओके बेटा, ये पिम्पल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में तो ये ऑयल जो ग्लैंड्स होते हैं ये इंक्रीज करना शुरू कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ पबर्टी और एडोल्ट्रेंस. नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. अब मैंने आपको कल भी बताया था बॉयज़ में क्या डेवलप होने लग जाते हैं सेक्स ऑर्गन और गर्ल्स में भी एग डेवलप करती हैं गर्ल्स के अंदर और उनकी ओवरीज में एग डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. और बॉयज़ में क्या होने शुरू हो जाते हैं, स्पर्म बनना शुरू होता है एट द एज ऑफ पबर्टी. तो ये चेंजेस हैं सेक्स ऑर्गन के. गर्ल्स में क्या बनता है, एग बनता है और बॉयज़ में बनते हैं क्या, स्पर्म. ओके, नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मैच्योरिटी. और एक और पॉइंट है रीचिंग द मेंटल, कुछ मेंटल ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं उनका माइंड, कुछ इमोशनल हो जाते हैं इस एज पर. Adolescence is also a period of change in a person way of thinking. Adolescence may be more independent than before and rare also self-conscious. Intuitively, development taking place and they tends to spend considerably some thinking. In fact, it is often the time in वंस लाइफ when the brain has to greater capability of learning. इस वक्त ब्रेन अच्छे से काम करना शुरू कर जाता है. एडोलरेंस मे फील इंसोरेंस एंड ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड बट एडोलरेंस लर्नर यू शुड नो दैट देर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर. दिस चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. कुछ चेंज नेचुरल बॉडी, अब जो बॉडी में चेंजेस आते हैं नेचुरली जो चेंजेस आते हैं तो बॉडी अपने आप इसको फील करना शुरू कर देती है. ओके, कुछ चेंजेस आने जो शुरू होते हैं तो बॉडी अपने आप इसको मेंटेन करना शुरू कर देती है. ये आपके बॉडी पार्ट थे जो आपको जो ये चेंजेस थे आपको नॉर्मली दिखाई देने वाले चेंजेस थे. अब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो आते हैं चेंजेस आ रहे हैं वो दूसरे कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर. ठीक है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं. यू हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरी आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा. ठीक है, इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिकम डेवलप एट द पबर्टी एंड बॉयज बिकम ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मॉइस्चर्स एंड ब्रेड birth as these features help in the distinguish the male from the female is called the secondary sex character. Boys or girls में secondary sex character, एक तो मैंने आपको reproductive sex character बता दिए थे changes आते हैं जैसे girls में ovaries में और boys के testes में जो changes आते हैं ये secondary sex character हैं. दूसरा जो girls होती हैं उनकी chest develop हो जाती है, breast develop हो जाती है
देखकर ही पता चल जाता है एक लड़का है लड़की है। तीसरा जो बॉयज़ होते हैं उनकी मूंछ दाढ़ी आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, चेस्ट पे भी बॉयज़ के हेयर आने शुरू हो जाते हैं। इन अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स, अंडर आर्म्स भी अबव द थिंग्स पीपल प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ पबर्टी। ओके बेटा, ये हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं, मेल के हार्मोन्स चेंज होते हैं टेस्ट्रोजन हार्मोन कह लेते हैं और फीमेल का हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाते हैं, एंडोक्राइमिक ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाते हैं सारी। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीडिंग कीजिएगा बेटा इस चैप्टर को। ओके बेटा, ओके।